हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैत्रीज गुड फूड में। आज के मज़ेदार और नई रेसिपी में हमने बनाया है आयुर्वेदिक काढ़ा। बारिश के दिनों में अक्सर भीगने से या फिर मौसम बदलने से हमें सर्दी और जुकाम हो जाता है, और ये काढ़ा दवाई से भी ज़्यादा काम करेगा। और दवाई पीने से अच्छा हम इस काढ़े को पिए, इससे हमारी सर्दी और जुकाम एकदम छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से इस आयुर्वेदिक काढ़े को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने दो टुकड़े दालचीनी के, दो तेज़पत्ता, थोड़े से तुलसी के पत्ते, 3 से 4 अदरक के टुकड़े, 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और पानी हमें चाहिए 2 ग्लास। सबसे पहले हम मसाले को कूट लेंगे। एक सिलबट्टा ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसी के पत्ते डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें कूटना है। इससे काढ़े में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा और हमारी सर्दी जुकाम एकदम गायब हो जाएगी। अच्छे से इन्हें हमें कूटना है। इसके अंदर हमें तेज पत्ता का यूज़ नहीं करना। अच्छे से इन मसालों को हम कूट लेंगे। आप इसके अंदर छोटी इलायची और बड़ी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसे कूट लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह दरदरा हमें इसे कूटना है। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसके अंदर हम तेज पत्ता डाल देंगे। 2 ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाला है। तेज पत्ते को हमें इस तरह तोड़कर डालना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तेज पत्ता डालने के बाद इसके अंदर अब हम कूटा हुआ मसाला डाल देंगे। सारा मसाला कूटा हुआ डालेंगे ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर पानी में आ जाए। हाई फ्लेम पर उबाल आए तब तक हमें इसे पकाना है। अच्छे से इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अभी हाई फ्लेम पर उबाल आए तब तक हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट तक हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। 2 मिनट तक उबालने के बाद 1 मिनट तक इस तरह हमें इसे चलाते जाना है ताकि अच्छे से ये फ्लेवर में आ जाए। जब 3 मिनट हो जाए तब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो करने के बाद लो फ्लेम पर इसे 8 मिनट तक हमें पकाना है। 8 मिनट तक इसे पकने के बाद फिर हम इस काढ़े को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर 8 मिनट हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इस काढ़े को हम छन्नी से छान लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। आप भी इसे इसी तरह अपने घर पे जरूर से ट्राई करेगा। उसके अंदर थोड़े से हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे। आप तुलसी के पत्ते ऐसे भी खा सकते हैं, इससे भी हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है। इस काढ़े को गर्म गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि गर्म गर्म ही ये हमारे शरीर को फायदा करता है ना। एकदम आसान और बढ़िया रेसिपी। आप भी अपने घर पर बारिश के दिनों में इस तरह आयुर्वेदिक काढ़ा बनाए। और हाँ, हमें कमेंट में कहिएगा कि आपको हमारी ये नई रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और मज़ेदार और नई रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।